पानीपत में हूँ और बस वाले इससे आगे नहीं जा रहे, तो यहाँ से मेरे को कैब करके जाना पड़ेगा और ये मुंह वाले रेट्स मांग रहे हैं। और कुछ रेट में तो पी हुई है, मतलब पी के कैब चलाएंगे क्या? मैन दिस इज गोइंग टू बी टफ। पहले हम लोग मनाली में थे 4 दिन के लिए, फिर हम चंडीगढ़ आए और उसके बाद घर गए। मैं अपने घर गया, चरण अपने घर गया। नाउ वी आर गोइंग बैक टू बैंगलोर और अभी हम दिल्ली स्टेशन पे ट्रेन का वेट कर रहे हैं। रात के 9 बजे ट्रेन है और हम लोग, मतलब मैं तो फिर भी 5 बजे आया हूँ, चरण 12 बजे से आके बैठा। Still 1.5 hours to go. इट इज़ 2 डेज जर्नी और सब कुछ अच्छा जा रहा है, मतलब ट्रेन टाइम पे मिल गई है, खाना हमने खा लिया है टाइम पे, सीट बगल में लड़कियाँ बैठी हैं, मतलब इतना अच्छा जा रहा है। स्टिल कुछ तो मिसिंग है, मतलब कुछ अच्छा नहीं है, होम सिकनेस है बहुत, सब जाने का मन नहीं हो रहा बैंगलोर वापस, जबकि चरण है साथ में और वहाँ पे दुष्यंत भी है, ऐसा नहीं है। स्टिल और कुछ लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं, मतलब जैसे मैं कोई MMS बना रहा हूँ ट्रेन में। एक मराठी लड़की है और एक दूसरी लड़की है और अभी भी इधर कोई देख रही है तो मैं उसकी तरफ नहीं देख सकता, मतलब वो सीधा आँखों में देख रही है, तो अभी थोड़ी सी फट रही है। चरण साला सो भी गया, मतलब हद नहीं है, अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है। सबसे पहले वही उतावला था, अरे लड़कियों लड़कियों लड़कियों। मैं सोने से पहले खुद को एक टास्क देना चाहता हूँ कल के लिए, कल मैं उन लड़कियों के साथ दोनों खेलने का ट्राई करूँगा, लेट्स सी मैं कर सकता हूँ कि नहीं। बाकी ये काफ़ी ज़्यादा आई डोंट नो, गुड नाइट। मतलब मैं यहाँ से ऐसे देख सकता हूँ, इधर खाली खाली सा मज़ा आ रहा है देखने में। मैं
इतना गरीब हो ना रास्ते के एसी कंपार्टमेंट में मैंने बैठा। ये लोग तो काफी उत्साहित कर रहे हैं धक्का देने के लिए। वी हैव क्रॉस सिकंदराबाद और वो बेटी लड़की जिसके बारे में बात कर रहा था वो भी सिकंदराबाद के साथ चली गई है, लेकिन एक और लड़की है उसके साथ। मुझे लग रहा था वो साथ में है लेकिन वो अलग अलग है, मतलब वो लग रहा है वो बैंगलोर उतरे। तो स्टिल वी हैव चांस टू प्ले उनो विद दैट गर्ल, लेकिन अब वो परसेंटेज सिर्फ 1% रह गई है क्योंकि अब रात भी हो चुकी है और अच्छा नहीं लगता रात को किसी लड़की को अप्रोच करो। दिस मैन ये ऊपर से नीचे तक येलो पहन के आया है, मतलब हाउ हाउ यार कैसे कर सकते हो तुम इतना। खाना 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 खाना। कोई भी जर्नी ऐसी नहीं जाती मेरी जिसमें कोई ना कोई रात को सोने में डिस्टर्ब नहीं करता। तो अभी ये लाइट ऑन करके रखी है पता नहीं क्यों। एक अंकल बैठे हैं नीचे सोच रहे हैं लाइट ऑन करके। Finally, we have arrived at Bangalore, KSR. और टाइम से पहले पहुंचा दिया, क्यों यार खाली में नींद खराब करती है। आते ही बैड लक शुरू, यानी कलो हम टाइम से ज़्यादा आगे चल रहे हैं, मेट्रो ही बंद है। एक ट्रेन के जल्दी आने से कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं चलने। अभी भी मतलब ऐसी फीलिंग आ रही है कि मज़ा सा नहीं आ रहा, मतलब क्यों आए वापस। आई नो इट्स होम सिकनेस, दो तीन दिन मे भी एक हफ्ता लगेगा ठीक होने में, बट दिल बेवकूफ है, पता नहीं क्या क्या सोचते रहता है। डजंट फील गुड। चरण नेक्स्ट ट्रिप कब है?